खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। मर्चेंट चैंबर हॉल में व्यापारियों के सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री नंद गुप्ता नंदी मेयर परमिला पांडे के सामने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कानपुर व्यापार एसोसिएशन के महामंत्री पुष्पेंद्र जायसवाल ने कहा, 20 साल से बीजेपी का मेयर पार्षद होने के बावजूद महिलाओं के लिए बाजारों में पार्कों में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। व्यापारियों ने जब भी कोई व्यापारियों के लिए समस्या आई है उनसे जूझने और भिड़ने का काम किया है, उनके चरणों में सादर नमन। ये नगर निगम का चुनाव है और इसमें हम लोगों को इस विषय में चर्चा करनी है कि हम अपने कानपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में बनाने की कोशिश करें, जिसमें कि हमारी आदरणीय मेयर श्री प्रमिला पांडे जी का बहुत योगदान रहा। इसके लिए एक जोरदार तालियां। लेकिन एक बात और भी है जो हमारे कानपुर की जो समस्याएं हैं, जो पिछले 20 साल से हमारे मेयर रहे हैं, बीजेपी के पार्षद रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रमुख बाजारें हैं उनके उनमें महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है, जो कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारी बाजारों के अंदर जो महिलाएं हैं उनके लिए टॉयलेट नहीं हो पाया, ये हमारे लिए सबसे प्रथम आपको यहाँ इस मंच से उनको आश्वासन देना होगा कि हमारे व्यापार को बढ़ाने के लिए हमारी महिलाएं आती है तो उनके लिए टॉयलेट नहीं होता है। बच्चों को पार्क में जिम होना चाहिए, उनके लिए झूला लगने चाहिए और एक लाइब्रेरी भी होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी आजकल की समस्या है कि हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और यहाँ पर उनके बूढ़े माँ बाप रहते हैं जिनकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता है। तो कम से कम आप इस विषय में अपने मेयर के जो घोषणा पत्र करेंगे उसमें एक हेल्पलाइन जारी करिए कि कोई भी बुजुर्ग जिस क्षेत्र में भी रहता है वो एक ये हेल्पलाइन के जरिए हमें सूचना करें, जिसके लिए हम उनको दवा की जरूरत हो, कोई उनको बीमार हो तो उसको हम भी पहुंचाने के उन तक जरिया बने और कम से कम उनकी देखरेख कर सके, इस पे भी हमको ध्यान देना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा है, मतलब हम लोगों के बच्चे आजकल चले जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, देखने के लिए कोई नहीं होता है, तो कम से कम इस बारे में भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। बाकी हमारे विनोद गुप्ता जी ने ये आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।